जैसे ही कोई पशु अपंग होता है तो हर चीज के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे चारे के लिए, पानी के लिए, जीवन जीने के लिए, चलने के लिए, खड़े होने के लिए। एनिमल जो डिसेबल होते हैं वो ह्यूमन बीइंग की गलती के कारण होते हैं, चाहे वो स्कूटर से एक्सीडेंट हो, चाहे मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो, चाहे कार से ट्रक से एक्सीडेंट हो, कहीं ना कहीं उसके पीछे ह्यूमन बीइंग ही रेस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम ही उनको ठीक करें और हम ही उनको वापस खड़ा होने लायक, चलना होने लायक बना सके। प्रोस्थेटिक लिंब की जब हम देख रहे थे तो ह्यूमन की के अलावा एनिमल्स पे बहुत कम यूज हुए हैं, क्योंकि इनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हमने कई मटेरियल्स यूज किए, कई एक्सपेरिमेंट किए। जो पहला हमने काफ था उस प्रोस्थेटिक लगाया था, उसका नाम कृष्णा था, तो उसी के नाम पे हमने लिंब का नाम कृष्णा लिंब रखा। हर एनिमल का प्रोस्थेटिक अलग बनता है क्योंकि उसका बॉडी का शेप अलग होता है, उसके जो बॉडी प्रोमिनेंस होते हैं वो अलग होते हैं। अब तक हम 100 से ऊपर केसेस को लगा चुके हैं जिसमें सभी तरह के एनिमल्स हैं, उसमें हॉर्स भी है, काऊ भी है, डॉग भी है। अधिकतर केसेस तो हमें गौशालाओं से ही मिले हैं। फ्री में अवेलेबल कराने का हमारा शुरू से मोटो रहा है। कीमत के कारण कोई एनिमल बिना प्रोस्थेटिक के नहीं रह पाए। सामान्यतः एक प्रोस्थेटिक के अंदर 8 से 10 हज़ार का खर्चा आता है, लेकिन इसके अलावा जब मेजरमेंट लेने के लिए हमको जाना पड़ता है तो ट्रैवल एक्सपेंसेस होते हैं, साथ में जो हम इनोवेशन करना चाहते हैं, कोई नई चीज उसमें ऐड करना चाहते हैं, कुछ मटेरियल हम यूज करना चाहते हैं, तो खर्चा तो होता है। उम्मीद है कि लोगों का सहयोग हमें मिलेगा और अधिक से अधिक और अच्छी क्वालिटी के कृष्णा लिंब बनाकर सभी डिसेबल्ड एनिमल को हम लाभान्वित कर सकें। आपसे बस यही अपील है।